नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। पशुपालन विभाग ने कराई गोपाल प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय को पुरस्कृत किया गया। वहीं सभी आए प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार दिए गए। इस प्रतियोगिता का आयोजन 23 तारीख से किया गया था। इस प्रतियोगिता में चाचौड़ा से आई गाय जो कि 17 किलो से ज्यादा दूध देती है प्रथम आई। प्रथम पिछली बार भी प्रथम था, नहीं पिछली बार रावगढ़ का प्रथम था गाय में। ये प्रथम, ये सेकंड है। अच्छा सेकंड कौन है? रावगढ़ वाली सेकंड है। ले चल बोल, ये तृतीय ये जिला स्तरीय गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता का 23 से लेकर 25 के बीच में आयोजन किया गया था, जिसमें आज ये प्रतियोगिता का समापन हो रहा है। इसमें जो है चाचौड़ा ब्लॉक की गाय प्रथम स्थान पर आई है, जिसका दुग्ध उत्पादन 17 किलो 100 ग्राम के ml के करीब रहा है। और भैंस भी चाचौड़ा ब्लॉक से ही आई है कुमराज से, जिसका दुग्ध उत्पादन 13.600 किलोग्राम रहा है। और इसी तरीके से इनमें जो प्रथम पुरस्कार गाय और भैंसों को दिया जाएगा वो 50,000 रुपये है, द्वितीय पुरस्कार 25,000 रुपये का है और तृतीय पुरस्कार 15,000 रुपये के हैं। और बाकी जो चौथे से लेकर 10वीं तक जो हमने पार्टिसिपेंट बुलाए थे उनको सांत्वना पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये सभी प्रतिभागियों को दिए जाएंगे। बालिकाओं में महिलाओं के लिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु लगाया गया शिविर। गुना कलेक्टर राजेश जैन के निर्देशानुसार आज गुना में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एवं परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में RTO कार्यालय में 16 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के निःशुल्क लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए गए। हाँ, यह माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में आज 16 साल से अधिक उम्र की बालिकाएं एवं महिलाओं के निःशुल्क पिंक ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाए। इसमें मुख्य रूप से 4 कागज लग रहे हैं, तो 10वीं की अनुसूची की फोटोकॉपी, 2 फोटो और आधार कार्ड और वोटर आईडी। भव्य वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। आज गुना में हनुमान गली में स्थित भगवान श्री आदिनाथ जिनालय में 1008 श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी के नवीन वेदी का विराजमान भी किया गया। उक्त कार्यक्रम को पंडित नरेश कुमार ने विधि विधान पूर्वक संपन्न कराया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु मंदिर में उपस्थित रहे। मंदिर में कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी हुई। आप समय से नहीं आए, आप भी और
नीलामी नहीं होने से आज गल्ला मंडी में किसानों ने घेरा कर्मचारियों को। शनिवार को भी डाक करने का आश्वासन दिया गया था मंडी प्रशासन के द्वारा, लेकिन व्यापारियों ने आज बैंक बंद का बहाना लगाकर डाक नहीं होने दी। नानाखेड़ी उपज मंडी में नीलामी नहीं होने से किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर था, जो कि कर्मचारियों पर फूट पड़ा। दरअसल शुक्रवार को आवक अधिक होने से मंडी प्रशासन ने शनिवार की छुट्टी के दिन भी डाक को करने का आश्वासन दिया था, जिसके चलते आज मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे। सुबह लगभग 11 बजे तक नीलामी शुरू नहीं होने पर किसानों ने पहले तो व्यापारियों से जानकारी ली, लेकिन जब वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वे मंडी कार्यालय जा पहुंचे, जहां पर कर्मचारियों ने कहा कि नीलामी करना व्यापारियों का काम है। इसके बाद किसान एकजुट होकर नारेबाजी करने लगे। वहीं इस घटना से घबराए कर्मचारियों ने खुद को कार्यालय के अंदर बंद कर लिया एवं चैनल गेट में ताला लगा दिया। वहीं किसानों की माने तो मंडी अध्यक्ष मीराबाई के कैबिन में पहुंचे तो वहां पर ताला मिला। किसानों का यह भी आरोप है कि अध्यक्षा कभी भी अपने ऑफिस में नहीं होती हैं। किसानों ने नीरज निगम को भी फोन लगाया, लेकिन उसके बाद भी उनसे बात नहीं हो पाई। किसानों का आक्रोश है कि कभी भी अध्यक्षा अपने कार्यालय में नहीं होती हैं और ना ही मंडी के किसी काम में समय देती हैं। मंडी के हालचाल नहीं देखते, मंडी अध्यक्ष है उनको देखना चाहिए। मंडी डायरेक्टर नीरज निगम जी, अभी मैंने फोन लगाया था, ना वो आए, कल भी आए थे, कल भी नहीं मिले। कल 11 बजे का आश्वासन दिया था, अभी 11 नहीं बजे क्या देखिए आप मंडी की घड़ी में 11 नहीं बजे क्या देखा, हाँ कभी नहीं मिलते, चार दिन से नहीं मिले। अभी क्या कारण था आपने नारेबाजी करी? हमको 11 बजे से मंडी जो होना थी उसके लिए हमने नारेबाजी की, बैठे हैं चार दिन से, कह रहे हैं 5 रुपए वाली उसमें खाना खिया था रात में जहाँ बैठे थे धरने पे, फिर उनने जी आश्वासन दिया 11 बजे से मंडी शुरू होगी, मंडी शुरू नहीं हुई, इसके कारण दोबारा आना पड़ा। अब 1:30 बजे की कह रहे हैं, 1:30 बजे की भी क्या गारंटी होगी कि नहीं होगी। समस्या ये है कि कल आश्वासन दे दिया था मंडी कमेटी के सदस्यों ने, कर्मचारियों ने, व्यापारियों से बात भी हुई थी, कल 12 बजे से आपकी जो ट्रॉलियां बची हैं किसानों की उन सब की हम मंडी बोलेंगे, लेकिन 12 से 1 बज गया अभी तक कोई व्यापारी नहीं आया। और दूसरी समस्या ये है कि एक ही जगह पर धना चना गेहूँ जवान मक्का आदि की डांग बोल जा रही है, इससे मंडी में अधिक भीड़ भाड़ हो रही है, किसानों को असुविधा हो रही है। इससे हमारा निवेदन है मंडी कमेटी से भी और व्यापारी वर्ग से भी कि अनाजों को मतलब 2 अनाज से ज़्यादा 30 अनाज की मंडी ना की जाए एक जगह पर, इससे व्यापारियों को भी दिक्कत और किसानों को भी दिक्कत। किसानों को यही पता नहीं पड़ पाता कि हम हमारा उड़द की ट्रॉली कहाँ लगाएं, चना की कहाँ लगाएं, धना की कहाँ लगाएं, ऐसी विपरीत परिस्थिति और विकट समस्या गुना मंडी में आकर के खड़ी हो गई है, जिससे सब लोग किसान इकट्ठे होकर के मजबूर होकर के उन्हें यहाँ मंडी ऑफिस और मंडी अध्यक्ष महोदय के पास आना पड़ा है, लेकिन मंडी अध्यक्ष महोदय अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। 2 दिन से हमारा निवेदन है कि मंडी अध्यक्ष महोदय हमारे सामने आए और किसान भाइयों की जो टोली रह गई है उनकी डाक मतलब नहीं होती है, तो हम मजबूर हैं होकर के नहीं आगे देंगे, पर हम मतलब हमारा किसान भाइयों का संगठन जो चाहता है, पर हम कभी मंडी नहीं होने देंगे। बैंक बंद होने के कारण अवकाश रहता है, ये पिछली शुक्रवार की जो आई थी वो शेष रह गई थी, उनका व्यापारियों ने आश्वासन दिया था वो कर भी रहे हैं, अब वो किसान तो कर रहे हैं, वो उनकी नीलामी में लेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा 12 बजे का बोला था तो उन्होंने 1:30 बजे कर दिया। बुल्लनपुरा स्थित मिनरल वाटर फैक्ट्री मुस्कान बेवरेज में शुक्रवार की रात 8:30 बजे अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, इससे इलाके में भगदड़ सी मच गई। अमोनिया सप्लाई करने वाली पाइपलाइन पर फैक्ट्री की दीवार गिरने से हादसा हुआ, इससे रिसाव शुरू हो गया, रिसाव के चलते पूरा मोहल्ला खाली हो गया। वहां पर बाद में एक फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी हिम्मत दिखाते हुए वॉल्व को बंद कर दिया, हालांकि तब तक आसपास के करीब 500 घर खाली हो गए थे। वहीं प्रशासन ने भी बीजी रोड पर पूरा ट्रैफिक को रोक दिया था। जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली तो उन्होंने जयस्तंभ चौराहा और पुराना बाईपास के अलावा बजरंगगढ़ की ओर से आने वाले वाहनों को भी रोक दिया। इधर भुल्लनपुरा में रहने वाले अधिकांश लोग अपना घर छोड़कर भागने लगे। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करा दी थी। बताया जाता है कि फैक्ट्री में रिसाव आरंभ हुआ तब वहां कोई भी नहीं था, ड्यूटी पूरी होने पर सभी कर्मचारी चले गए थे, इसी दौरान दीवार गिरने से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। यह दीवार कैसे गिरी अभी तक साफ नहीं हो पाया है।
लेकिन फैक्ट्री के एक वर्कर ने गैस पाइपलाइन का वाल्व बंद कर दिया जिससे लीकेज रुक गया। मौके पर ही पुलिस प्रशासन एवं एसडीएम पहुंच गए थे। कारखाना है, यहाँ पे दीवार गिरने से सिलेंडर की दीवार गिरी है जो कि अमोनिया गैस का था, उसका पाइप टूटा है, वहाँ से पूरी गैस लीकेज हुई है। तो अभी सभी को यहाँ से निकाला गया है और कोई वहाँ पे घायल या अवस्था की स्थिति। मैम जैसे कि देखा जाए तो पूरे मोहल्ला या आसपास का एरिया पूरा खाली हो चुका है इस पर आपके। इसमें यही है कि एहतियातन तौर पर ये सब पूरा वहाँ से हटाया गया है, जितने भी पब्लिक है उनको हटाया गया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अभी पूरी जो गैस है वो पूरा उसका निष्कासन हो चुका है और अभी ऐसी कोई मैम ये तो उसके हिसाब से जैविक हिसाब से तो ये खतरनाक है, इसीलिए प्रिवेंटिव कदम उठाया गया है कि यहाँ से सभी को हटाया गया है। हमला मुझे ये बताया गया कि यहाँ पर जो आइस फैक्ट्री है इससे कोई पाइप टूटने के कारण अमोनिया रिस गई थी, इसके कारण लोगों में थोड़ा तो आँखों में जलन और इस तरह की शिकायत थी। तो मैं आया यहाँ पर देखा और आप भी देख रहे हैं यहाँ, आप तो कुछ नहीं कंट्रोल है, कल जाँच करेंगे तो मालूम पड़ेगा, ऐसा बताया जा रहा है। पाइप में कुछ आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सहसंयोजक आलोक अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया जिसमें उन्होंने एक वीडियो क्लिप मीडिया को मुहैया कराई जिसमें आलोक अग्रवाल को जबरदस्ती पुलिस वाले उठाकर ले जा रहे थे। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला का बयान वाला वीडियो भी उपलब्ध कराया जिसमें आखिरी के समय बताया कि किस तरह पुलिस वाले उससे रिश्वत की मांग कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार को कांग्रेस से इतना डर नहीं है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है जितना कि आम आदमी पार्टी से है, इसलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी सोमवार तक अगर आलोक अग्रवाल की जमानत नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। बंदे आलोक अग्रवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आलोक अग्रवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आलोक अग्रवाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। इस लगाकरण को बंद कर दिया है, उसी एक व्यक्ति पे उन्होंने तीन तीन चार चार ऐसे झूठे प्रकरण बनाए। मंडी में किसान परेशान हो रहा है, भावांतर योजना मुश्किल से 10 या 20 किसानों की डाक करते हैं जिससे किसान परेशान हो, गिरफ्तार करते हैं। मंडी में किसानों की आवाज़ उठाने गए उसके खिलाफ में उन्होंने एक झूठा प्रकरण लगाकर बंद कर दिया है। तीसरा बिजली विभाग, आपे जानकारी है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली। आज हमारी मीटिंग रखी थी, प्रेस वार्ता है, आलोक अग्रवाल जी को मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कुचक्र चलते हुए 20/11 को अन्यायपूर्वक अनैतिक पूर्वक उन्होंने गिरफ्तार कर ली है। हम उनकी आवाज़ को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, यदि सोमवार तक उनकी जमानत नहीं हुई तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार और अत्याचार कर रहे पुलिस अधिकारियों की हुई। एक महिला के खिलाफ में पुलिस वाले रिश्वत मांग रहे थे, अन्याय कर रहे थे, उनकी आवाज़ उठाने पुलिस थाने गए थे, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने आलोक जी पर केस डाले। उनके साथ में हम आलोक जी के साथ में हैं, मैं भी आलोक हूँ, ये भी आलोक हैं, हम सब आलोक हैं, हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सरकार जब से केजरीवाल जी ने 5 तारीख को 230 विधानसभा की मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा की तब से वो बहरा वो पगला गए हैं और उन बड़ा घबराहट और डर पैदा हो गया है कि निश्चित रूप से अगर आम आदमी पार्टी अगर मध्य प्रदेश में अपनी किसी तरह की गतिविधियाँ करती है तो उनकी कुर्सी डोल जाएगी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, उनसे उनको इतना खतरा नहीं है जितना आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक जी श्री आलोक अग्रवाल जी जो किसानों की आवाज़ को उठा रहे थे और जो महिलाओं की आवाज़ उठाने गए तब उन्होंने जिसने आत्महत्या की थी उस महिला से 20,000 रुपये से ज़्यादा पुलिस वाले पैसे मांग रहे थे,
उसको न देने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। उसमें निश्चित रूप से FIR की मांग की थी, सिर्फ इतना ही मांग की थी कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या कोई भी, अगर चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, अगर महिलाओं के ऊपर भी अगर वो अत्याचार करता है या रिश्वत मांगता है तो उसके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए, आम आदमी के साथ होती। लेकिन ऐसा न करते हुए उन्हें घसीट कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर गांधी नगर थाना प्रकरण में 147 धारा की 148 49 353 332 427 341 109 की बात दर्ज की गई और ये धारा 20 तारीख को गिरफ्तार करने के बाद 24 को की गई। निशांतपुरा थाने में दर्ज प्रकरण करके अग्रवाल को निशांतपुरा थाने में दूसरा केस भी दर्ज कर दिया। एक भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति जनजाति की बैठक का आयोजन आज एक निजी होटल में किया। इस बैठक में आगामी समय में होने जा रहे गुना में प्रदेश स्तरीय अनुसूचित जाति जनजाति की बैठक की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं इसमें सबको क्या काम करना है क्या नहीं और किस तरह के प्रबंध करने इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक के बारे में भाजपा के जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारिक ने DG ANA से की खास बातचीत। तो ऐसी क्या बात है जो उनमें नहीं हो आपके आप में है, क्योंकि उनका समाज जान रहा है तो मैं इसलिए जान रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है, मेरा समाज सो रहा है। महामंत्री जो है आदरणीय हमारे लखनऊ जी निर्भर आदरणीय हमारे अशोक जी शर्मा जी हमारे प्रांतीय आज ये अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक है जिले की। इसमें हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भाई सूरज जी केरो ये बैठक ले रहे हैं। ये बैठक गुना जिले में राजनीतिक इतिहास में पहली बार अनुसूचित जाति मोर्चे की प्रदेश की कार्य समिति गुना में होने वाली है। उसकी तैयारियों का जायजा लेने, उसके स्थान वगैरह देखने, जिसमें मध्य प्रदेश भर के 300 के करीब प्रतिनिधि अनुसूचित जाति वर्ग के आएंगे और उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं एवं सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास समाज को ऊपर उठाने के, उन सब बातों पर विचार करने के लिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक गुना जिले में आहूत की गई है, जो आगे आने वाले समय में सितंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित है। जो बैठक यहाँ होगी उसमें सभी सांसद विधायक मंडल निगम मंडलों के अध्यक्ष मंत्री इत्यादि सभी मध्य प्रदेश भर के उस बैठक में भाग लेंगे। सारे जिला अध्यक्ष आएंगे, महामंत्री आएंगे। सकतपुर में रहने वाले ग्रामीण आज पहुंचे जिला कलेक्टर से गुहार लगाने। ग्रामीणों की माने तो सकतपुर में रहने के लिए उन्होंने नोटरी से मकान खरीदे, जिसके बाद बकायदा उन्होंने पैसे भी दिए। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि वहां पर ना तो पीने का पानी है ना ही सड़कें। इस व्यवस्था को करने का जिम्मा सरपंच का होता है, लेकिन चूंकि उसको यहां से वोट नहीं मिले इसलिए उसने यहां पर कोई भी काम नहीं कराया है। वहीं पानी की समस्या से जूझते सकतपुर वासियों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आपस में पैसा इकट्ठा करके बोर करना शुरू कर दिया, जहां पर आज तहसीलदार में पटवारी आ गए और ग्रामीणों से पैसों की मांग की। साथ ही उन्होंने बोरिंग मशीन को भी जब्त कर लिया। समस्या परे है कि एक तरफ तो कलेक्टर राजेश जैन ने बोरिंग पर से लगा बैन हटा दिया है, वहीं फिर बोरिंग करने में क्या बुराई थी। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि इन लोगों के मकानों को खाली करने का नोटिस देने की बात भी वहां पर तहसीलदार कर रहे थे। साथ ही यह भी कहा कि तुम लोग अवैध कॉलोनी में रह रहे हो। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सरपंच अपनी मनमानी के तहत ये सब प्रपंच हंस रहा है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इनकी बातों को कैसे सुनता है और किस तरह से आगे जाँच करता है।
हैं मेरे पास। ये मामला है कि तहसीलदार ये सरपंच को क्या है, ये 5 साल पहले वोट नहीं दिए गए थे इस मोहल्ले से, इस वार्ड से, तो इस विवाद के चक्कर में हमारे क्या ये सरपंच जलता है, इस बस्ती से वोट नहीं मिले थे, सुचाई का सरपंच है लोधा है, इसलिए उसको वोट नहीं मिले थे, इस विवाद के कारण हमारे क्या वोट में जैसे मोहल्ले में ना रोड डरवाता है सर, या ना कि रोड डरवाता है, ना कि पानी की व्यवस्था, अगर शादी वगैरह भी होती है ना तो पूरे टैंकर वगैरह नहीं भेजता, मुझे कहता है मेरे लिए वोट नहीं मिले। क्या हो गया है अभी, सामान्य लोग हो गए, बस्ती वाले मोहल्ले वाले सामान्य बोल करवाना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने बोरिंग मशीन और सब कुछ अभी बैन खुलने के कारण हम लोगों ने बैन खुलने के कारण बोरिंग की व्यवस्था करके मिलजुल के सभी ने पैसे इकट्ठे करके बोरिंग के लिए बोरिंग मशीन पहुंच गई थी, तो तहसीलदार और पटवारी साहब पहुंचते ये कहते हैं कि तुमने परमिशन किससे लीजिए सरकारी जगह है, जो हमने सब नोटिस वगैरह नोटरी के खरीदी गई है साधु राम इनसे, तो उनको क्यों नहीं बोले, हमको बिना विवाद के क्यों रोकी गई हमारी मशीन, और 1-1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये में हमने मकान खरीदे गए हैं, जगह खरीदी गई है, और इसमें गिराने की कोई हमको नोटिस नहीं दी गया, कह रहे हैं आपके पास गिराने का नोटिस दिया जाएगा, पर ये तहसीलदार साहब पहुंच के ये कहते हैं कि आपके लिए 20-20 हज़ार रुपये लगे हैं, परमिशन ले लो इसके लिए, बोरिंग अभी बैन खुला हुआ है फिर भी बैन के लिए परिचय देने की जरूरत क्या है उसमें, तो परेशानी बोल लगवा रहा था, मकान बनाए नोटरी का मकान लिया, हाँ नोटरी करवाई, उसके हमारे पास कागज है, तो उसने कहे कि सबूत बताओ, तो हमने सबूत बताया, तो बैन ने कहे कि कलेक्ट्रेट में जाओ, तो हम यहाँ आ गए, तो हमने कहे साहब गाड़ी रखी रह दो, तो हम गाड़ी क्या हम गाड़ी आगे आगे लग रहा था, उसको बैन ने कहे साहब सब भाई चलो तहसील में कलेक्ट्रेट में, तो हमने वहाँ से हम फिर जहाँ वक्त आए, तो बच्चे हमारे भूख प्यासे है, तो हमारे पैसे आते तो सब खत्म हो गए, तो वहाँ से फिर हम क्या करें जहाँ पे आए, तो कोई बोरे जी पटवारी तहसीलदार निस्बत मांग रहे थे, कहे थे कि पैसे निस्बत दिए तो आप बोल लग जाएगा 30 हज़ार, फिर आपने क्या कहा, तो हमने कहा हम ऐसे नहीं देंगे, तो हम तो कलेक्ट्रेट पूरे कलेक्ट्रेट में जाएंगे, तो हम कहेंगे वहाँ से जाएंगे वहाँ बोलेंगे वहाँ कुछ बोर किस लिए लगवा रहे, सरकारी जगह तो साहब वहाँ दस्तखत नहीं होने आती, सरकारी फ्लैट नहीं भेजने आते, नोटरी नहीं करवाते, सरकारी नोटरी भी तो भाई होगी, जब कागज हमने वो दाए तो जब भी तो वो कागज ने करे होंगे दस्तखत, 1500 रुपये नोटरी में दाए तहसीलदार। वर्तमान दौर में देशवासियों की बढ़ती संकीर्णता की प्रवृत्ति चिंतनीय है, इसे जागृत युवा वर्ग को सही तरीके से किया जा सकता है। उक्त आशय के विचार प्राचार्य डॉक्टर जवाहरलाल द्विवेदी ने कौमी एकता सप्ताह के समापन अवसर पर शासकीय महाविद्यालय के सभागार में प्रकट किए। वहीं इसी दौरान यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गयी। क्योंकि हमारे देश में बहुत कुछ होता है, अब आपको क्या होगा, अरे इसके ऊपर ये होगा कि इंदिरा जी जैसी महाहस्ती कुछ बंदूकों से ढूंढ दिया गया। आप लोगों ने सुना हुआ है, मैं तो उस समय नौकरी करता था, जब मैं जा रहा था डाकखाने नौकरी में अपनी, तो मुझे पता चला कि मैं जो गोली मार दी, तो मैं विश्वास भी नहीं किया, मैंने दाली मर गया, अरे यकीन भी नहीं मिली, जब मैं डाकखाने में गया तो पोस्ट मार जब किसी का बहन वो चाहे हो तेरा लहू या मेरा लहू। रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सोनी की रिपोर्ट। डीजीएनए में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।